हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। और आज का जो वीडियो है वो है एक ऐसा हॉल जिसमें मैंने आप लोगों के लिए चूज किए हैं कुछ सेमी फॉर्मल अनारकलीज जो कि हैं ब्रांड रंगीता से। और जो रंगीता है वो अमेज़ॉन के वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में से है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेज़ॉन पर रिटर्न और एक्सचेंज जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और अभी अमेज़ॉन पर आपको बहुत ही अच्छी डील्स और ऑफर्स भी मिल रहे हैं। और इन सारे के लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। प्राइजेस को मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। और जितने भी अनारकली हैं सबकी डिजाइनिंग और जो क्वालिटी है उससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं, क्योंकि माइनर डिटेलिंग्स पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्रिएट करना चाहते हो एक नीट एंड क्लीन एंड शार्प लुक। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो आउटफिट्स को दिखाने से पहले मैं यहाँ पर ज़रूर आपको जो अनारकली सिल्वेट होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये एक ऐसी सिल्वेट है जो ज़्यादातर बॉडी शेप के ऊपर अच्छी लगती है, क्योंकि ये हाईलाइट करती है हमारे बॉडी के सबसे स्लिमेस्ट एरिया को जो कि होती है हमारी वेस्ट। जिन लोगों का एप्पल बॉडी शेप है उन लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके पास एक डिफाइंड वेस्ट लाइन नहीं होती है, लेकिन उनका भी जो स्लिमेस्ट एरिया होता है वो उनकी वेस्ट लाइन ही होती है जहाँ पे आपकी बस्ट एंड करती है। तो आप बिल्कुल कुछ इस किस्म के अनारकलीस पहन सकते हैं जिनकी जो कलियां हो वो बिल्कुल नेक से स्टार्ट हो, या आप योक वाले अनारकली को ट्राई करके देख सकते हैं। कभी भी हम किसी भी बॉडी शेप को एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं, आपको हिट एंड ट्रायल ज़रूर करने पड़ते हैं। आज मैंने जितने अनारकलीस पिक किए हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल अनारकलीस हैं। अगर आप अटेंड करने वाले हो कोई भी एक ऐसा फंक्शन जहां पर आपको ना तो बहुत ही हैवी कोई आउटफिट पहननी है और ना ही बहुत लाइट आउटफिट पहननी है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला अनारकली। वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं अपने फेवरेट अनारकली से, जो कि है एक बिल्कुल इंग्लिश बेज कलर में, और बहुत ही डिफरेंट सा कलर है, लाइक काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस समर सीजन के लिए। जिन लोगों को भी पेस्टल्स पहनना बहुत अच्छा लगता है उनको ये अनारकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी जो नेक लाइन है इसे आप एक राउंड नेक लाइन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। स्लीव्स के ऊपर कफ्स की डिटेलिंग है जो कि काफ़ी स्मार्ट लुक देती है किसी भी अनारकली को। गोल्डन बटन्स हैं जो पूरे अनारकली के ऊपर लगे हुए हैं और इसके ऊपर फॉयल प्रिंटिंग है। कलर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, आप इस कलर के साथ बहुत ज्यादा प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल कलर है। आप इसको किसी भी ब्राइट कलर रेड ग्रीन पर्पल के साथ फ्यूशिया के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, या आप इसको बिल्कुल मेरी तरह व्हाइट के साथ भी कंबाइन कर सकते हो अगर आप एक परफेक्ट पेस्टल लुक कैरी करना चाहते हो। कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है चंदेरी कॉटन, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है और काफ़ी एयरी है इस समर सीजन के लिए। अंदर इसके लाइनिंग लगी हुई है और लाइनिंग का भी जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। और इस अनारकली के लिए मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि इस अनारकली को आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन कराएं, इसे हैंड वॉश या मशीन वॉश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरीके की प्रिंटिंग इसके ऊपर है, जितनी ब्यूटी है इस कुर्ता की वो उसी प्रिंटिंग से है, तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें और इसको सिर्फ आप ड्राई क्लीन कराएं। और जो नेक्स्ट अनारकली है वो उनके लिए है जो हल्दी के लिए कोई आउटफिट ढूंढ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनारकली है, इसकी नेक लाइन के ऊपर ब्लू कलर के फैब्रिक बटन की डिटेलिंग है, 3/4 इसकी स्लीव्स हैं जिसमें आगे ब्लू कलर की ही डिटेलिंग दी गई है। आप इसको येलो के साथ भी मैच कर सकते हो, आप इसको गोल्ड बेज के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो घेरे के ऊपर कलर यूज किया गया है दिस टील ब्लू कलर, इसके साथ भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। कलियों वाला ये अनारकली है और इसका जो घेरा है काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। और जो फैब्रिक है इसका वो है कॉटन चंदेरी, और अंदर जो लाइनिंग लगी हुई है उसका भी मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सेमी क्रेप फैब्रिक की इसमें लाइनिंग लगी हुई है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट अनारकली है इसके डिज़ाइन, इसके फैब्रिक और इसकी प्रिंटिंग को देखते हुए। नेक्स्ट जो अनारकली है वो है क्रीम बेज कलर में, और इसके ऊपर गोल्डन फॉयल की छोटी छोटी बूटीज जो हैं बनी हुई हैं, लाइक गोल्डन कॉपर सा कलर है, और आपको ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। योक वाला ये अनारकली है और इसकी जो नेकलाइन है वो राउंड नेकलाइन है, और जो इसकी प्रिंटिंग में कलर्स यूज़ किए गए हैं क्रीम कलर के ऊपर ग्रीन एंड रेड, वो बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल लुक जो है इस अनारकली को देते हैं। योक के बाद से पूरी कलियाँ हैं इस अनारकली में, और जो
प्रिंटिंग की क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, और जो फैब्रिक है इस अनारकली का वो है प्योर कॉटन, काफी अच्छे वाला कॉटन जो है ब्रांड ने यूज किया है, और लाइनिंग लगी हुई है पूरे अनारकली में जो कि एक सेमी क्रेप फैब्रिक के अंदर लगी हुई है। और आप इस अनारकली को भी कंट्रास्टिंग कलर्स के साथ जो है मिक्स एंड मैच कर सकते हो, या बिल्कुल इसके साथ एक वाइट पैंट्स को भी पेयर अप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट अनारकली है वो है टील ब्लू कलर में, और काफी खूबसूरत ये अनारकली है, और खासकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिन्हें एम्ब्रॉयडरी, महीन एम्ब्रॉयडरी ज्यादा पसंद है। इसके योग के ऊपर काफी बारीक मशीन एम्ब्रॉयडरी जो है की गई है, लाइक एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के ऊपर आपको इस तरीके के प्रिंट की डिटेलिंग है, और सेम डिटेलिंग आपको कुर्ते के बॉटम में भी जो है दी गई है। इस कुर्ते के अंदर बेस कलर के अलावा आपको लाइट ब्लू, गोल्डन जैसे कलर्स जो हैं मिलते हैं, तो आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो सेम कलर के साथ भी, और आप इसको गोल्ड बेज कलर की पैंट्स पजामी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। फैब्रिक जो इसका है वो है कॉटन चंदेरी, और काफ़ी अप्रोप्रिएट फैब्रिक रहता है ये इस सीजन के लिए। अंदर पूरे कुर्ते के लाइनिंग जो है लगी हुई है सेमी क्रेप मटीरियल की, और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है। और इस कुर्ते के लिए भी ज्वेलरी को स्टाइल करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी गोल्ड एंटीक ज्वेलरी इस कुर्ते के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और नेक्स्ट अब बात करते हैं इस अनारकली की जिसको मैंने पहना हुआ है। ये है एक बहुत ही खूबसूरत लाइट येलो कलर का अनारकली, जिसका जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, और कॉटन लवर्स को ये अनारकली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो डिटेलिंग है इस कुर्ते के ऊपर वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिटेलिंग है। योग के ऊपर हल्का हल्का ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, और जो घेरा है कुर्ते का वो टायर्ड स्टाइल में जो है बना हुआ है। इस कुर्ते के अंदर भी आपको येलो, गोल्ड, रेड जैसे कलर्स की डिटेलिंग दी गई है, तो मिक्स एंड मैच करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, और गोल्ड ज्वेलरी या रोज़ गोल्ड कलर की ज्वेलरी जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी इस कुर्ते के साथ। एंड दैट्स इट, और ये मेरी बेस्ट पिक्स थी ब्रांड रंगीता से। सारे अनारकलीज के लिंक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको देना चाहती हूँ वो ये कि जिन लोगों का भी फैशन में, स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उनको लगता है उन्होंने फैशन की पढ़ाई नहीं की, तो आपको आगे इस चैनल के ऊपर बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिसमें हम स्टाइलिंग की माइनर डिटेल्स पर बात करेंगे। हॉल वीडियोस तो आप लोगों के लिए आते ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे शॉपिंग जो है आपके लिए आसान हो सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्यों हर एक यूट्यूबर बोलता है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसे एनकरेजमेंट मिलती रहे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।